नाथद्वारा से। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में उमड़ रहा जन सैलाब। श्रीनाथ जी मंदिर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए तिलकायत महाराज श्री जी की आज्ञा अनुसार व विशाल बाबा साहेब के दिशा अनुसार में मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी के नेतृत्व में आने वाले सभी वैष्णवों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार वैक्सीन के टीके की प्रथम डोज व द्वितीय डोज के की रिपोर्ट के साथ के आधार पर ही मंदिर मंडल द्वारा पुख्ता व्यवस्था के चलते सभी की जांच कर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही जिसमें प्रमुख तया लक्ष्मी निवास गेट जहां से आम वैष्णव सहित स्थानीय लोगों को दर्शनार्थ प्रवेश दिया जा रहा है, साथ ही मनोरथियों व सेवा वालों को प्रीतम पोली से प्रवेश करवाया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के अंदर आम जनता को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुंह पर मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन करवाए जा रहे हैं, परंतु मंदिर मार्ग नया बाजार सहित प्रीतम पोली गेट के बाहर स्थित फोटो कॉपी की दुकानों पर कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों की से जाम जैसे हालत बना रखे हैं, जहां सोशल डिस्टेंस व मुंह पर मास्क जैसी सरकार व मंदिर मंडल की अपील की लोगों द्वारा सरेआम ध्वजियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते तीसरी लहर की प्रबल संभावना बनती जा रही है, जिसको लेकर नगर के प्रबुद्ध वर्ग बुद्धिजीवी गणमान्य व जागरूक लोगों से कोरोना संक्रमण व अन्य आने वाले वैष्णवों से बाजारों से बढ़ती भीड़ को लेकर जानकारी चाहने पर बताया गया कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दौड़ रही है, जिसके चलते नगर भी बढ़ती भीड़ को देखते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, वरना आने वाले समय में भादवी बीच के चलते रामदेवरा जातरुओं की भीड़ भी प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन व मंदिर मंडल के साथ स्थानीय लोगों को व्यापारियों के सहयोग व सावधानी की आवश्यकता है, जिसके चलते सभी का भला होगा।